ये बड़ी तादाद में हमारी जो सब साथी बैठे हुए हैं, छात्र छात्रा बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से कोटा के अंदर भी और प्रताप नगर के अंदर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ से, बहुत ही ये प्रोग्राम बड़ा गरिमापूर्ण लग रहा है, उत्कृष्ट है। और जिस रूप में आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उसे लगता है कि आप सबकी भावना किस रूप में जुड़ी हुई है, और उसी रूप में आप लोग इस काम को संपन्न करवाने के लिए आज हाजिर हो गए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। शुभ काम, जो सपना देखा था लक्ष्मण मीणा जी ने, आरडी मीणा जी ने, इनके सहयोगियों ने, और तो तमाम समिति के लोगों ने, वो सपना आज पूरा होने जा रहा है। बहुत विस्तार से मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें बताई आपको, क्योंकि लोग इंदौर से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मैं इस मौके पर तमाम दानदाताओं को भी, जो सहयोग करते हैं ऐसे वक्त में, क्योंकि पहले भी काला बादल साहब के नाम से जब जमीन अलॉटमेंट हुई थी, वो हॉस्टल बन गया शानदार, अभी धारी वाले बता रहे थे। तो दानदाता हमेशा जब आगे आते हैं, तभी कोई काम सक्सेस होता है। सभी काम सरकारी स्तर पर कामयाब नहीं हो सकते हैं, स्कीम बन जाती है, भवन बन जाते हैं, परंतु अगर समाज जुड़ता है साथ में, तो ज़्यादा अच्छे कामयाबी के साथ में वो काम संपन्न होता है। ये मेरा अनुभव है। और इसलिए जब समाज जुड़ा हुआ है, आदिवासी समाज जुड़ा हुआ है, मीना समाज जुड़ा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छात्रावास जो प्रारंभ हो रहा है प्रताप नगर में, ये भी बहुत शानदार तरीके से कामयाब होगा, अच्छा प्रबंधन होगा इसका, और बालिकाओं को अवसर मिलेगा कि राजधानी में आकर के वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और विश्वविद्यालय भी, जैसे कहा गया है, 15 करोड़ की लागत से बनेगा, समयबद्ध रूप से आप उस काम को पूरा करेंगे। जो योजना बताई गई है लक्ष्मण मीणा जी द्वारा, मैं उसको एग्जामिन करवाता हूँ कि किस प्रकार से MLAs के फंड से मदद मिल सकती है, क्योंकि मैंने सुना है पहले मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा वाले जो MP थे, उन्होंने भी पहले, उनको अलाउ था इस प्रकार से प्राइवेट विश्वविद्यालय या कॉलेज में MP फंड से पैसे देने का, बाद में जानकारी मिली शायद उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया। तो किस किस ग्रुप में कैंसिल किया, क्यों किया, मालूम करके यथासंभव आप निश्चिंत रहें। मैं भी चाहूँगा, इतना बड़ा काम आपने हाथ में लिया है विश्वविद्यालय का, तो आपको किस रूप में सरकार सहयोग कर सकती है, उस भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि ये शानदार भवन जो बनेगा, और जिस रूप में 30 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, और जो बताया गया रूप में LOI जारी हुई, फिर वो विड्रॉ हो गई, ये मेरी समझ के बाहर है कि सरकारें बदलती है। पहले पहले कहावत थी कि हाकम बदलता हुक्म नहीं बदलता, सदियों से हाकम बदलते रहते हैं, सरकार बदलती रहती, पर जो एक हुक्म दे दिया कि सरकार ने, पहले हाकम हुआ करते थे, तो कहावत थी हकम बदल जाए पर हुक्म नहीं बदलता, क्योंकि हुक्म तो जो दिया गया वो पब्लिक इंटरेस्ट में दिया गया। तो जब विश्वविद्यालय बनाने के लिए दिया गया LOI, तो सरकार बदलते ही उसको विड्रॉ करने का क्या तुक था, ये समझ के परे है। अभी कहा गया एलन मीणा साहब के हाथों से अभी ये 30 जून को मिला है, वापिस आशय पत्र मिला है आपको। मुझे मालूम होता है कि एलन मीणा साहब के हाथ लिखा हुआ है, उनके आशय देने लिखा हुआ, तो मैं इनको 1 साल पहले ही बना देता, इस विभाग का सचिव बना देता। पर मुझे खुशी है कि अभी ये पूरी फॉर्मेलिटी हो गई है, और इस काम को आप लोग समयबद्ध रूप से इसको पूरा करेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। शिक्षा का महत्व आप समझते हैं, इस बात के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। समाज को मैंने देखा है कि हमेशा मीणा समाज शिक्षा में जोड़ देता है, और राजीव गांधी ने भी यही कहा था कि शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है,
जमाना बदल गया है, 21st सेंचुरी आ गई है, आईटी का उपयोग होता है, इंटरनेट के बगैर अपन रह नहीं सकते हैं, पूरी दुनिया जुड़ गई है इंटरनेट के माध्यम से, पूरा ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं कंप्यूटर और मोबाइल फोन के अंदर, तो दुनिया कहाँ पहुँच गई है। उसमें जो जाति के लोग, जो वर्ग के लोग, जो समाज के लोग, जो संप्रदाय के लोग, जो शिक्षा में जोड़ देंगे वही समाज आगे बढ़ पाएगा, ये मेरा मानना है। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ज़्यादा पावरफुल है। और आप देख रहे हो उसी रूप में आज पूरे दुनिया के अंदर कंपनियां खुल गई है, कंप्यूटर की भी और आईटी की भी, और पूरी क्रांति हो गई है। पूरा जो गवर्नेंस चल रही है, मैं अभी 1.5 साल से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, और मैंने अनुभव में 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। आज जैसे हो रही है आपके यहाँ, 400 बार मैंने कोरोना को लेके करी है, 300-350 50-60 मैंने दूसरे कामों के लिए करी है, गवर्नेंस के लिए करी है, रिव्यू करता हूँ मैं मीटिंगों की, सब विभागों की, एक साथ में राजस्थान भर के अधिकारी एक साथ बैठते हैं। तो मैंने अनुभव किया कि ये अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये कैसे संभव था। आज कोरोना गया नहीं है, अभी मैं भी आपको विनती करना चाहूँगा कि आप भी बच के रहें, अभी बहुत कम हो गया, नहीं के बराबर हो गया हमारे यहाँ पर देश में कम नहीं हुआ है, 10 राज्यों में बहुत बढ़ रहा है। केरला में तो 22,000 प्रतिदिन आ रहे हैं केसेस, दुनिया भर में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में बहुत भयंकर बढ़ रहा है, इसराइल ने वापस लॉकडाउन लगा दिया है। तो आने वाले वक्त में तीसरी वेव आएगी नहीं आएगी, लंबी कहानी है, उसको मैं अभी नहीं छेड़ना चाहता। कल भी मैंने वीसी की थी, पब्लिकली ओपन की थी, हो सकता है आप मैंने कहीं उन्हें सुनी हो उसको, तो उसमें हम लोग ध्यान दे रहे हैं, कब स्कूल खोलनी है, कब कॉलेज खोलनी है। धारीवाल जी बराबर कहते रहते हैं कि जो हमारे कोचिंग क्लासेज हैं कोटा में, वो जल्दी खुलनी चाहिए। तो ये जैन में है, और मैं समझता हूँ जल्दी जो कमेटी बनाई गई वो फैसला करेगी। पर जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये कदम आपका जो है वो तारीफ के काबिल है, क्योंकि सरकारें भी जोड़ दे रही है। आपने देखा होगा कि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने जो एक्ट पास किए थे, चाहे वो सूचना का अधिकार का हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी का हो, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, और सबसे बड़ा RTE राइट टू एजुकेशन, जिसमें आज अनिवार्य किया गया है शिक्षा को, और इसीलिए गर्ल्स की एजुकेशन आज विश्वविद्यालय तक फ्री की हुई है, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए हॉस्टल खुले हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, 1 लाख से अधिक छात्र उसमें लाभ उठा रहे हैं। स्कूटी योजना की बात की आपने, 2,000 मिलती थी पहले, अभी हमने 10,000 की घोषणा करी थी, फिर हम 13,000 हो गए वो, क्योंकि दिव्यांगों को भी हम लोग दे रहे हैं, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने घोषणा कर दी, 2,000 स्कूटी उनको मिलेगी, ट्राईसाइकिल टाइप मोटराइज। इस प्रकार से सब लोग सुविधा मिल सके कि आराम से वो उनकी हौसला अफजाई हो, बच्चियों की अच्छे नंबर लाती है, वो स्कूटी मिले, कॉलेज जाए, ड्रॉप आउट नहीं हो बच्चे, कई बार माँ बाप भेजते नहीं उनको शहरों के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। इसीलिए आपने भी सुना होगा, एक तरफ तो हमने 123 कॉलेज खोले हैं, उसमें 32 कॉलेज घर से खोले हैं अभी 2.5 साल के अंदर, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। 70 साल में खुले होंगे 250 कॉलेज, 230 कॉलेज सरकारी, हमने 2.5 साल में खोल दिए 123, उसमें 32 गर्ल्स कॉलेज। और ये अनाउंसमेंट मैंने कर दिया कि जहाँ 500 बच्चियों की स्कूलों के अंदर, कस्बों में और बड़े गांव में भी मान लीजिए कहीं भी होगी, 500 लड़कियाँ पढ़ रही होगी, वहाँ पे उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है, तो आप सोच सकते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन में हम कितना जोर दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के लड़के के साथ में लड़कियां भी पीछे नहीं रहे, और जिस प्रदेश में, जिस देश के अंदर अगर महिलाएं शिक्षित होती है तो
तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का माहौल, वहाँ के संस्कार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ अनुशासन और वहाँ के विकास के आयाम अलग तरह के होते हैं, क्योंकि पुरुष और महिला मिलकर के देश की चिंता करते हैं और वो देश के विकास में भागीदार बनते हैं। जब राजीव गांधी जी ने पहली बार आरक्षण दिया था महिलाओं को, SC ST को, गांव में सरपंच, प्रधान, प्रमुख बनने का, नगर पालिका में पार्षद और मेयर और चेयरमैन बनने का, वो आरक्षण के माध्यम से कई गांव में जो कभी जिंदगी में महिला नहीं बनती थी सरपंच या प्रधान या चेयरमैन पार्षद, आरक्षण के बाद में बनने लग गई, तो उनकी भागीदारी हो गई सत्ता के अंदर। तो पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बहुत बड़ा कदम है देश के लिए, कि वहाँ महिलाओं को अधिकार दिया गया है सत्ता में भागीदारी का, आरक्षण के माध्यम से और कंपल्सरी कर दिया गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। उस देश का भविष्य उज्जवल होता अपना भी, जहाँ महिलाएं पढ़ लिख जाती है, और वही आप देख रहे हो किस रूप में देश के अंदर अब तो 40 साल से ज़्यादा हो गए कि आज महिलाएं प्रधान, प्रमुख बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रही है। पहले पहले तो घूंघट निकाल के बैठती थी और साथ में पतिदेव बैठते थे, अब महिला इतनी होशियार हो गई है कि वो खुद कह रही थी पतिदेव को, आप घर पधारो, मैं अपना आप संभाल लूंगी। इतना बड़ा फर्क पड़ गया है। तो उसी रूप में सरकार पूरी तरह समर्पित है, एक से बाद एक योजना लाए हैं, आपके सुझाव मिलेंगे मुझे तो और मैं लाऊंगा, पर गर्ल्स एजुकेशन भी आगे बढ़े। और हम लोग इवन हमने मुख्यमंत्री अनुपति योजना शुरू करी है, जिसके माध्यम से जो कोचिंग कॉलेजेस हैं, मानी हुई कॉलेजेस हैं, प्रेस्टिजियस, वहाँ पे उनको एडमिशन दिलाया जाएगा, अच्छे नंबर लाने वाले लड़के लड़कियों को, मुख्यमंत्री अनुपति योजना। और साथ में जो हॉस्टल में रहेंगे आकर के शहरों में, उनके लिए 40,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे कि वो हॉस्टल का खर्चा निकाल सके, खाने पीने का खर्चा निकाल सके। इस प्रकार से आपको भी भंवर सिंह पार्टी बता रहे थे, इंग्लिश स्कूलें खोली गई है महात्मा गांधी नाम से, क्योंकि जमाना बदल गया है। और मैंने कहा आपको कि इस नए जमाने के अंदर जरूरी है कि हम लोग किस रूप में ध्यान रखें गर्ल्स का भी, और उसी रूप में गर्ल्स हो या बॉयज हो, आज इंग्लिश का अपना महत्व है। मैं खुद हिंदी का समर्थक रहा हूँ बचपन से ही, परंतु मैंने देखा है, मेरा अनुभव कहता है कि हिंदी और अपनी मातृभाषा तो क्या सब कुछ है, अपनी खुद की भाषा, गांव की भी बात सब कुछ होती है, परंतु अगर आपको देश में दुनिया के अंदर इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना है, क्योंकि आज मैंने फिर कहा कि विज्ञान का, तकनीकी का जमाना है, विकसित राष्ट्र हमसे बहुत आगे बढ़ गए थे, विकसित राष्ट्रों में और डेवलपिंग कंट्री में रात दिन का फर्क है, इसलिए राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम जब 21st सेंचुरी में जाएं तो इस तैयारी के साथ में जाएं, जिससे कि हम लोग भी विकसित राष्ट्रों की तरह मुकाबला कर सकें दुनिया के अंदर, विज्ञान में तकनीकी का आगे बढ़ सके। और मुझे विश्वास है कि हम लोग अब जो जंप लिया, हम लोगों ने हमारे अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट बन रहे हैं, इसरो से आप देखते हो 100-100 सैटेलाइट एक साथ छोड़े जा रहे हैं, ये 76 साल की कमाई है, जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी, धान खाने के लिए भी आप मेरे कई लोग बैठे होंगे वरिष्ठ, मालूम होगा बचपन में अपन लोग PL 480 अमेरिका से गेहूँ आता था, अमेरिका ने भीख मांगनी पड़ती थी गांव के लिए भी, वो टाइम था। परंतु जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति करी, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, उसके बाद में आज हम आत्मनिर्भर हैं। आज तो 130 करोड़ से अधिक की आबादी हो गई, तब भी हम आत्मनिर्भर हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो 76 साल में बहुत कुछ हुआ देश के अंदर, और सभी क्षेत्र में हुआ है, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, कहाँ थे उस वक्त में बिजली, लोग समझते थे बिजली होती क्या है, आज़ादी के वक्त में राजस्थान में खाली 13 मेगावाट बिजली थी,
राजा महाराजाओं के महलों में खाली वो टीम जमा दी थी खाली। आज तो बिना बिजली के काम नहीं चलता है किसी घर के अंदर भी। तो बहुत क्रांति हुई है देश के अंदर, आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है, फिर भी हमें सुनना पड़ता है कि 70 साल में क्या किया। डेमोक्रेसी है, हमें उनकी चिंता नहीं। हमें चिंता है कि देश एक रहे, अखंड रहे, सभी जाति सभी धर्म के लोग सभी वर्गों के लोग मिलके चलें, जहाँ शांति है वहाँ विकास है। ये बात सोच करके मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना है और हमारे मुल्क का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर अलग तरह का है। भैरवलाल जी काला बादल का बहुत मैंने नाम सुना बचपन से ही, और आदरणीय श्री लक्ष्मीनाथ जी देरवाल, इनका मेरे प्रति बहुत आशीर्वाद रहा। जब कभी जयपुर आते राजभवन में या कहीं मिलने का होता इनसे या प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, तो मेरे प्रति बहुत स्नेह था इनका। मुझे खुशी है कि उनके नाम से भी आप लोग बराबर काम कर रहे हैं। मैं लंबी बात कहने के बजाय लक्ष्मण मीणा जी को और उनकी टीम को, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे उनको बधाई दूं, क्योंकि वो लंबे समय से लगातार ये भावना थी कि मैं विश्वविद्यालय कैसे खड़ा करूं, जल्दी कैसे उसको मैं बनाऊं। आज वो दिन आ गया है कि आज उसका शिलान्यास हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें अवश्य कामयाब जल्दी होंगे। जमाना भी अब तो नॉलेज इज पावर, मैंने कहा आपको कि ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और उसमें आप पीछे नहीं रहेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे आपने इस मौके पर याद किया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका समाज का मेरे प्रति, मेरी कांग्रेस की पार्टी के प्रति हमेशा भाव बना रहा है। मुझे याद है कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो प्राइम मिनिस्टर बनते उन्होंने दौरे किए हिंदुस्तान के अंदर, तो जहाँ जहाँ आदिवासी रहते थे उन राज्यों में किए थे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सब जगह गए थे वो। ये मैसेज देने के लिए कि मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि आदिवासी समाज के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिले विकास के अंदर भी और सभी क्षेत्रों के अंदर भी। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर फंक्शन में, थोड़ा आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से नहीं कर पाए हो, तो थोड़ा बहुत किया है, उसके लिए बधाई आपको। पर मैं चाहूँगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, अभी हमें चिंता लगी हुई है। पूरी तरह आप मास्क लगाओ, डिस्टेंसिंग रखो, यही बचाव है हमारा। क्योंकि जब फैलता है, तो दूसरी लहर आई थी तो इतनी जल्दी फैली, इस रूप में फैली कि हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में लोगों ने कल्पना नहीं करी थी। पहली वेव में तो ऑक्सीजन की बहुत कम आवश्यकता पड़ी, और दूसरी वेव में तो ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मर गया, रेमडेसिविर की हाहाकार मर गया। ऐसी स्थिति बन गई कि पूरा मुल्क चिंतित हो गया था, और बहुत लोगों की कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई है। सबके कोई ना कोई रिलेटिव हो, चाहे मिलने वाले हो, दोस्त हो, जान पहचान वाले हो, कोई कोई चला गया दुनिया से। अब हम चाहते हैं तीसरी वेव की हमने तैयारी कर रखी है, ऑक्सीजन भी हमने खुद ने प्लांट लगा दिए पूरे राजस्थान के अंदर, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मंगा लिए 50,000 बाहर के मुल्कों से, करीब 1,000 मैट्रिक टन की व्यवस्था हमने खुद ने करी है। जो पहले हम लोग भीख मांग रहे थे, मैंने आपको कहा भी था उस वक्त, मैं तो 3 मंत्रियों को भेजा, मैंने धारीवाली को भेजा दिल्ली, बी डी कल्ला जी गए, वो हमारे रघु शर्मा जी गए मंत्री जी, कि बिना ऑक्सीजन के काम चलेगा नहीं, और हमें सप्लाई बहुत कम हो रही है। अब वैक्सीन की स्थिति भी यही है, हमारी कैपेसिटी 15 लाख वैक्सीन लगाने की एक दिन की है, और लगा पा रहे 1.5-2 लाख मुश्किल से। तो हम तो बराबर संपर्क में, हम चाहते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काम करें ऐसे वक्त में, और तभी जाकर के हम लोग टाइम पे हम लोग वैक्सीन लगा पाएंगे। वैक्सीन ही बचाव है, और वैक्सीन के अलावा आपका जो ये मास्क है ना,
ये बहुत ज्यादा बचाव करता है। कई लोग तो डबल मास्क लगाते हैं, ट्रिपल मास्क लगाते हैं, पर ये बचाव के लिए बहुत जरूरी है और बच के रहना जरूरी है। क्योंकि अब जो कोरोना आया, जिसका जिसका नाम दिया गया डेल्टा, ये हिंदुस्तान के ऊपर है। ये दूसरी लहर जो आई थी, पहली लहर में लोग बीमार होते थे तो अस्पताल में गए, ठीक होके आ गए। दूसरी लहर में तो आते ही उसको ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी, वेंटिलेटर की आवश्यकता होती थी, एक साथ में सारे बेड भर गए। क्योंकि ये इतना संक्रमित वाला, तेज गति से फैलने वाला डेल्टा आ गया, जिसको B.1.617.2 नाम दिया गया पहले, फिर WHO ने कहा नहीं, ये हिंदुस्तान से आया है, किसी भी मुल्क से कोई डेल्टा, कोई भी म्यूटेंट आएगा तो उसका नाम उस देश के साथ में जुड़ा नहीं रहना चाहिए। तो अब इसको डेल्टा कहा गया है। अल्फा अलग आया है, डेल्टा अलग है, अलग अलग नाम है दुनिया के अंदर। पर अभी जो डेल्टा खतरनाक है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा, जो हिंदुस्तान से गया, चाइना में भी चला गया, 110 मुल्कों में गया भी है, आज की तारीख में 110 मुल्क भुगत रहे हैं। अमेरिका बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, 90,000 लोग आने लगे वहां पर, इंग्लैंड में बढ़ने लगे, परंतु क्योंकि वैक्सीन लग गई वहां पर, इसलिए मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। इसलिए मैं ये मौका तो आपके ये मुबारक मौका है, पर ये क्यों मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ कि लोग बच के रहें, जिंदगी बचाएं, अपनी भी, अपने परिवार लोगों की, आप सबकी। और आप ये भी ध्यान रखें, अपने पड़ोसियों को भी, जिसको कह सके संदेश कर सके संदेश करनी चाहिए। और अभी जब मैंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग कम लगी, तो आप ये कैमरा घुमा के दिखा दिया मुझे कि नहीं, काफ़ी अच्छी सोशल डिस्टेंस रखी गई है। उसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान रखा है, इसका ध्यान भी रखा है। और यही बात कहता है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबके दर्शन हो गए, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। सर, हमारी बच्चों की इच्छा कि कोटा और जयपुर से बालिकाएं जुड़ी हुई, अगर आप आदेश करें तो सर एक कोटा से एक बच्ची जयपुर से अपन बात करवा सकते हैं सर। जी सर, बड़ी खुशी की बात यह है कि सर जैसा आपने आदिवासियों के वो बताया, तो आदिवासी बालिका छात्रावास जयपुर में भी जो लड़कियां रह रही है उनमें जो